माँ और बच्चे के बीच किस तरीके की बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन है, हमारा बॉन्ड इससे और मजबूत होगा। बच्चे बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीख रहे हैं, उनको हमें कुकिंग नहीं सिखाना है, मैनेजमेंट सिखाना है। हमें बड़ी खुशी हुई है कि पहली बार हमें मौका मिला यहाँ आने का अपने बच्चों को सेलिब्रेट करने से। हमने मॉम्स कुकिंग कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज किया और इसके अंदर हमने बच्चे और उनकी मॉम को दोनों को इंक्लूड करके हेल्दी फूड्स जैसे कि सर ने बताया चुकंदर का हलवा वगैरह और ये सारी चीजें बनाई। हमारे यहाँ 29 क्लासरूम हैं, क्लासेस हैं और हर क्लास में क्लास टीचर अपने बच्चों को के सम्मान में एक पार्टी देता है। इस खबर के प्रायोजक हैं अल-फहद टूरिज्म लखनऊ, जहां मौलाना एजाज अहमद नदवी लेकर आए हैं उमराह और हज जाने वालों के लिए कम दामों में बेहतर सुविधाएं, जैसे 50,000 रुपये में उमराह करें और करबला, बगदाद, तुर्की जैसी जगहों की ज़ियारत। तो इन मशहूर जगहों की ज़ियारत करने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9519048805 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 8840521040। वहीं हमारा पता है हुसैनगंज रिजेंसी टावर लखनऊ। साथ ही हमारा दूसरा पता है निकट चरक हॉस्पिटल, सफ़ेद मस्जिद, हरदोई रोड, दुबग्गा, लखनऊ। ये तस्वीर सीतापुर के कस्बा तम्बोर की है, जहां रेडियंस इंटर कॉलेज में बाल दिवस के मौके पर एक विशेष फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस फूड फेस्टिवल में छात्र छात्राओं ने अपनी रसोई कला का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए, जो सभी उपस्थित जनों के आकर्षण का केंद्र बन गए। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को न केवल विभिन्न व्यंजनों की तैयारी की कला सिखाना बल्कि उनके आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता के विकास पर भी जोर देना था। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक हाजी अजीज अहमद गौरी ने बताया कि हमारे विद्यालय में अक्सर इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, जिससे बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलता है। यह आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने और नए कौशल विकसित करने का भी एक बेहतरीन जरिया है। इस फूड फेस्टिवल में बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न व्यंजन जैसे कि पकौड़े, बर्गर, सैंडविच और मिठाइयों की विशेष सराहना की गई। बच्चों ने भी इस आयोजन का खूब आनंद लिया और इसे एक यादगार अनुभव बताया। विद्यालय के शिक्षकों और अभिभावकों ने भी बच्चों की मेहनत और रचनात्मकता की सराहना की। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय प्रबंधक को धन्यवाद कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 9 लाइव टीवी, सीतापुर। मेरा नाम आयशा सदफ है सर, तम्बोर सिर्स मोहल्ला। ये आज यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया है रेजिडेंस इंटर कॉलेज में, हाँ जी, ये बच्चों का कार्यक्रम था, इसमें आपने भाग लिया जी, इसका क्या उद्देश्य है? ये जो प्रोग्राम है, ये कुकिंग कॉन्टेस्ट है, मदर एंड चाइल्ड कुकिंग कॉन्टेस्ट, जिसमें माँ और बच्चे के बीच किस तरीके की बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन है, हमारा बॉन्ड इससे और मजबूत होगा। बच्चे बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीख रहे हैं, उनको हमें कुकिंग नहीं सिखाना है, मैनेजमेंट सिखाना है। ये जो कार्यक्रम था, ये कैसा लगा? बहुत अच्छा था, मेरे बच्चे ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जैसे कि साफ सफाई बहुत जरूरी है हमारे लिए, हम सबकी सेहत के लिए। इस कार्यक्रम में आज क्या बनाया? मैंने बनाया था आज इटालियन चीज पास्ता सर। तो पहली बार बनाया, इससे पहले भी बनाया? फर्स्ट टाइम एवर। बहुत अच्छा, वेरी बेस्ट रहा। हमें बड़ी खुशी हुई है कि पहली बार हमें मौका मिला यहाँ आने का अपने बच्चों को सेलिब्रेट करने का। हमें बड़ी खुशी हुई है, पढ़ाई तो हमने इतनी की, इतने पढ़ाया भी इससे पहले, 2-4 साल पहले से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर इतना अच्छा प्रोग्राम हमने पहली बार देखा है। अपनी भी हमने पढ़ाई की है, बच्चों की भी पढ़ाई की, मगर यहाँ की एक्टिविटी और यहाँ की पढ़ाई और यहाँ का एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत वेरी बेस्ट। कार्यक्रम में आपने क्या बनाया? हमने आज छोले भटूरे बनाए थे। ये जो आज कॉलेज में आपके प्रोग्राम किया गया, कार्यक्रम किया गया है, ये किसका प्लान है? बेसिकली ये प्लान तो हमारे स्कूल में काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन हमने बाल दिवस के रूप में से इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया क्योंकि बच्चों को सबसे पहले जो टीचर्स बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और टीचर्स से उनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, हम क्लास में काफ़ी चीज़ें उन्हें सिखाते हैं। तो हमने बच्चों से कई बार पूछा तो बच्चों को खाने पीने का, जैसे फास्ट फूड बहुत पसंद था, तो इस बार हमारा हेल्दी कुछ फूड बनाने का कार्यक्रम सोचा है, इसी वजह से हमने मॉम्स कुकिंग कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज़ किया और इसके अंदर हमने बच्चे और उनकी मॉम को दोनों को इंक्लूड करके हेल्दी फूड्स जैसे कि सर ने बताया चुकंदर का हलवा वगैरह और ये सारी चीजें बनाई। बच्चे की, अब बच्चे जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, मॉम को बुलाने का क्या उद्देश्य?
मॉम्स का इनका बुलाने का इसलिए उद्देश्य था क्योंकि मॉम्स के बच्चे जो बाहर का हमारे यहाँ पे फास्ट फूड जो बच्चे खाते हैं, हमें उनको कम करना था। जो बच्चों को लगता है कि मॉम्स के काम बहुत इजी होते हैं, हम उनके साथ दिखाना चाहते थे कि मॉम्स के साथ में बहुत टफ काम होते हैं। जैसे आज बच्चों ने जब कुकिंग के टाइम पर उनका कंसंट्रेशन जल्दी बन नहीं रहा था, कभी वो एक चीज पे ध्यान दे रहे थे तो दूसरी चीज जल जा रही थी, तो हमने उन्हें ये बताया था कि मॉम्स आपको भी केयर करती हैं प्लस आपको इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, उन दोनों को बैलेंस किस तरह करना होता है। तो बच्चों को रियलाइज भी हुआ, उनका मैम उनका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ा और मॉम्स के साथ तो उनका कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा बना, इसी वजह से हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो ये पूरा कार्यक्रम देखकर क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुल लगा। मॉम्स का और बच्चों का फीडबैक भी बहुत प्यारा मिला हमें। जिन बच्चों ने इस बार इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है, किसी कारण उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों से भी यही कहना चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो भी अपना बेस्ट करें, और जब आप बेस्ट करेंगे, गलतियां तो सबसे होती हैं क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि हम इस चीज को नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम जिस चीज को ट्राई करेंगे नहीं, उसके लिए हम पहले से कैसे उसका निर्णय ले सकते हैं कि हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज का जब प्रोग्राम उन बच्चों ने देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि काश हम भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते और नेक्स्ट टाइम वो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। आज जो आपके कार्यक्रम में बाल दिवस मनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो हम News 9 लाइव टीवी के सुपर डुपर एंकर और संपादक नफीस भाई, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों को कवर करते हैं, आप आए, आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार। दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब पर आते हैं कि 14 नवंबर को हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में बाल दिवस मनाया जाता है। ये बाल दिवस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिन के अवसर पर मनाया जाता है। चूँकि चाचा नेहरू जो थे वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बेहद बच्चों से मोहब्बत करते थे और बच्चों से उनको लगाव था, इसीलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। तभी से ये हमारे मुल्क में जो है 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है बाल दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हमने भी अपने स्कूल में प्रत्येक वर्षों की बात इस वर्ष भी जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया कि हमारे यहाँ 29 क्लासरूम हैं, क्लासेस हैं, और हर क्लास में क्लास टीचर अपने बच्चों को के सम्मान में एक पार्टी देता है, और ये पार्टी में केक काटी जाती है, कुछ मिठाई वगैरह होती है और भी खाने के व्यंजन होते हैं। और ऐसे ही दूसरी बात ये कि इस बार हमने थोड़ा नया किया, हट के किया। हमारी स्कूल की जो सुपरवाइजर हैं सविता वर्मा जी, जो वही दिल्ली से आई हैं, काफ़ी अच्छा स्कूल को दे रही हैं, अपना नित नए प्रोग्राम्स करती हैं और बच्चों को जो है जागरूक करती हैं, पेरेंट्स को जागरूक करती हैं, एजुकेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही हैं। उन्होंने इस बार लड़कियों के लिए खास कर मदर और चाइल्ड कुकिंग कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता आयोजित की। ये दो चरणों में थी, एक मदर चाइल्ड कॉन्टेस्ट थी और दूसरी जो है स्टूडेंट कुकिंग जो है फूड कॉन्टेस्ट था। दोनों कॉन्टेस्टों में करीब 19 लोग प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 4 चाइल्ड और मदर चाइल्ड कॉन्टेस्ट में 4 लोग सभी शरीक हुए और करीब 15 लोग हमारे बच्चे जो है वो उसमें शामिल हुए। अब बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, बहुत टेस्ट किए गए, हैरत में पड़ गए हम लोग देख करके कि बच्चे इतना अच्छा व्यंजन बनाते हैं। उनकी चाय थी तो वो सुपर डुपर चाय थी, अगर उन्होंने कुछ चीज़ें खाने पीने की बनाई तो वो भी थी, खास करके इटालियन चीज पास्ता बनाया गया, नई डिश थी, उन्हें फर्स्ट टाइम टेस्ट किया। ऐसे ही जो है उसका चुकंदर का हलवा बहुत शानदार बनाया गया था, और इसके अलावा किसका नाम लें, तमाम चीज़ें थी और सब बहुत आला किस्म की चीज़ें बनाई गई। बहुत अच्छा लगा बच्चों की प्रतिभा देखकर, उनके अंदर जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसको हमने देखा आज, तो महसूस किया कि अब बच्चे वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं, और हमारे यहाँ जो बच्चे 18-20 साल के बाद सीखते थे वो आज 10-12 साल के बच्चे उतनी चीजें सीख जाते हैं।